Assalamualaikum, hi guys, it's me, the one and only वेरी स्टार आयशा जंजुआ. वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे. हाँ जी, तो आज ईद को तो काफ़ी दिन हो गए हैं और मैंने असल में ईद वाले दिन ईद की नहीं थी. तो अभी ये कि मैंने ईद की दो दिन पहले वीडियोस बनाई हैं और लाइक मैंने क्या पहना था ईद पे. जाहिर सी बात है, बहुत सब लोगों ने वीडियोस शेयर की थी ईद की, तो मैंने कहा मैं भी क्यों ना पीछे रह जाऊँ. बिकॉज़ मेरी ये थी कि मेरे चैनल पे मेरी ईद की भी वीडियो पड़ी हो ना. तो असल में मेरी एल्बो बर्न हो गई थी ईद के फर्स्ट डे, तो मैंने ईद नहीं की. उसके बाद से अभी तक मैं प्रॉपर ठीक नहीं हुई, दैट्स वाई मैं ईद की वीडियो नहीं बना सकी ना. हाँ जी, तो आपको बताया. उसके बाद फिर मेरी जो टंग है वो बहुत ज़्यादा रेड हुई हुई है. क्या करूँ, बोलती जाऊँ, लंबी ज़बान है ना, लंबी ज़बान. कुछ लोगों को लंबी ज़बान लगती है ना, लंबी ज़बान रेड हुई हुई है, क्या करूँ. तो जी, एक चीज़ सही होती है, दूसरी चीज़ ख़राब. पता नहीं किसी की बहुत बुरी नज़र लगी हुई है. अल्लाह ताला सब पे अपना करम फरमाए, रहम फरमाए. सो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं. अच्छा जी, सारे क्लिप्स होंगे ईद फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे. खाया क्या है उसकी वीडियो मैं आपको, उसमें क्या नाम है, शायद छोटी छोटी मेरे पास पड़ी हो कोई वीडियो, मैं वो उसमें ऐड कर देती हूँ. खाया क्या है जो सारे खाते हैं यार, बिरयानी, चिकन रोस्टी, सब कुछ, और क्या खाना है, और बर्गर शर्गर, इसके अलावा मैं क्या खा सकती हूँ. लेकिन ईद के पहले दिन ओबियसली मैंने पूरी और चने खाए थे. उसकी छोटी सी वीडियो है, वो भी मैं क्लिप आपके साथ इसी में ही शेयर करूँगी आगे. बाकी ऐसा जी, अल्लाह का शुक्र है कि एल्बो तो अब मेरी पहले से ठीक है ना, काफ़ी हद तक बेहतर है. तो और जो स्टमक है, जिसकी वजह से ओबियसली ज़बान रेड हुई हुई है, आपको पता है स्टमक का ही होता है सारा सीन. सो स्टमक क्यों है वो आपको पता है, जंक फूड की वजह से. तो क्या कहते हैं उसको, स्टमक सही नहीं है, स्टमक में पेन है. तो ये है कि मेडिसिन ले रही हूँ, बस दुआ कर देना कि ठीक हो जाऊँ ना. अब ये ना शुरू हो जाओ सारे, मुझे दुआएं देना शुरू हो जाओ. दुआएं ज़रूर देना, बाकी कुछ भी लिख देना हो ना. ये नहीं कि आप लोगों को बस अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दें, बस अल्लाह ताला आपको भी सेहत ज़िंदगी दें. मैंने कहा आई मीन दुआओं का मतलब ये है कि दुआएँ ज़रूर देना, लेकिन अपसेट नहीं हो जाना कि मैं ठीक नहीं हूँ. अल्लाह का शुक्र है पहले से बहुत बेहतर हूँ, इसीलिए तो वीडियो बना रही हूँ. पहले बिल्कुल भी इस काबिल नहीं थी, इतनी हालत ख़राब थी कि क्या बताऊँ, वीडियो नहीं बना सकती थी ना. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे. आप सबको ईद का फर्स्ट डे मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारक हो. हाँ जी, कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट में ज़रूर बताएं. आई एम लेट बट आई एम ग्रेट अभी तो. यस यस यस. अच्छा जी, कैसी गुजरी ईद ज़रूर बताएं. मैं आपके साथ ईद का फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे इसी तरह आपको विश कर रही हूँ और आपको आपके साथ वीडियो शेयर करें, क्योंकि ईद वाले दिन तो मैं तैयार हुई नहीं, ठीक नहीं थी. बताऊँगी उसका भी एक अलग वीडियो क्लिप बनाऊँगी. तो जी ठीक है जी, फिर वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर देना. अगेन आप सबको ईद का पहला दिन, ईद का फर्स्ट डे बहुत बहुत मुबारक हो. अभी तो ना, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़. अस्सलामुअलैकुम, हाय गाइस, इट्स मी द वन एंड ओनली वेरी स्टार आयशा जंजुआ. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे. आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, ईद का सेकंड डे आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो. और ईद तो मैंने ईद वाले दिनों में की नहीं, मेरी ईद अब हुई, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं. तो कैसी गुजरी आप सबकी ईद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डे की वीडियो बनानी है, बना रही हूँ. मुझे अपनी दुआ में याद रखना, और हाँ, लाइनर को इग्नोर करना जो गौर से देखते हैं, जो आप ही गौर से देखेंगे. लाइनर मैंने खुद लगाया, मुझसे तेरा मेरा लगा, सो प्लीज़ इग्नोर करें. और नेल पॉलिश भी इग्नोर करें, नेल पॉलिश भी मैंने रेड नहीं लगाई हुई ना, क्योंकि रेड कलर किसी को अच्छा नहीं लगता इतना. तो इसलिए ओके गाइज, टेक केयर.
अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको ईद का थर्ड डे बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे हो जी, सब ठीक ठाक हो? उफ़ उफ़ उफ़, हाल बुरा हो यार, तबीयत अभी भी सही नहीं है। और जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों से पूछा है कि आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। और जी मुझे भी ज़रूर बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे नज़र तो मैं सही से नहीं आ रही, तो मैं कोशिश करूँगी मैं फुल वीडियो का क्लिप या फिर पिक्चर्स ले सकूँ ना, तो फिर मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। और मेरी ईद तो मैं बता देती हूँ अब साथ में, मेरी तो ईद बिल्कुल भी अच्छी नहीं गुजरी, बहुत बुरी गुजरी है, बुरे हाल में गुजरी है। मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे भी जल्दी से ठीक कर दें। ओके जी, टेक केयर, बाय। हाँ जी, नाश्ता रेडी है। आलू चने और हलवा। हलवा मुझे नहीं पसंद, लेकिन ये है कि वैसे ही रखा हुआ साथ में। पूरीज बनाई है मेरे ख्याल से मामा ने और मेरी सिस्टर ने, और माशाल्लाह ये है जी। बाकी मुझे नहीं पता और क्या बनावें, लेकिन मैं तो पूरी के साथ चना और आलू को ही खाऊंगी। चलें जी, एंजॉय करें इसको, और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा है। तब तक हलवे को देखो। अच्छा जी, खीर भी बनी हुई है। खीर की भी अभी मैं बना के आपको बताती हूँ, क्योंकि खीर मैं गर्म खाती हूँ, ठंडी में खा नहीं सकती। चलो जी। हाँ जी, मामा के हाथ पे लगी हुई है मेहंदी, और जो लग रही है बहुत प्यारी। चलो जी, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। थोड़ा सा मामा दोनों हाथों को। मामा को कैसी लग रही है मेहंदी? बहुत अच्छी। वाओ, माशाल्लाह बहुत प्यारी मेहंदी है जी। हाँ जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब जी? ठीक है। और ये था गोल्डन ईद का ड्रेस, ये है रेड, और ये है जी पिंक। तो आपको हमने शो करवा दिया, ये ईद के ड्रेसेस हैं, और बाकी आपको शो कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो इसको लाइक भी कर देना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जल्दी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे द वन एंड ओनली वाइटी स्टार एशिया को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइस, थैंक यू।